शहर के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के साथ ही पुलगांव नाले का गंदा पानी इंटकवेल में नहीं जाने देने को लेकर लगभग 3,50,00,000 रुपए से पुलगांव डायवर्सन कार्य का महापौर ने निरीक्षण किया। इस दौरान अफसर भी शामिल रहे। नगर पालिका निगम सीमा अंतर्गत लागत लगभग 3,50,00,000 रुपए की लागत से पुलगांव डायवर्सन कार्य का गुरुवार को विधायक अरुण वोरा के निर्देश पर महापौर धीरज बाकलीवाल ने कार्यपालन अभियंता राजेश पांडे सहित अन्य अधिकारियों के साथ शिवनाथ नदी स्थित 24 एमएलडी जल शोधन संयंत्र के इंटकवेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने अफसरों को निर्देश दिए कि पुलगांव नाले से बहकर आने वाले जलकुंभी से इंटकवेल प्रभावित ना हो, इसके लिए परिवर्तित मार्ग लगभग तैयार कर लिया जाए, जिसे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लेने की बातें उन्होंने कही, ताकि इंटकवेल से पेयजल की अवरुद्ध गति से आपूर्ति की जा सके। उन्होंने बताया कि पूर्व में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पुलगांव नाले से गंदा पानी के साथ जलकुंभी इंटकवेल में बहकर आकर एकत्र हो जाता था और पानी की सप्लाई बाधित हो जाया करती थी, जो अब डायवर्सन मार्ग बनाने से इस समस्या से पूरी तरह निजात मिल सकेगी तथा शहर के आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल भी मिलने लगेगा। इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है और समय रहते कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। महापौर ने यह भी कहा कि शहर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के साथ ही सौंदर्यीकरण एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी लगातार काम कराए जा रहे हैं। साथ ही महापौर बाकलीवाल ने वार्ड के नागरिकों को बधाई देते हुए बताया कि बिना किसी भेदभाव के शहर के सभी 60 वार्डों में विकास कार्य शुरू किए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।